पाकिस्तान के द्वारा भारत में वर्ल्ड कप का बहिष्कार की धमकियां, बीदर संबंधी चिंताएं और दोनों देश के प्रेम और नफरत की कहानी से हर कोई वाकिफ है। फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिरकार 7 साल बाद भारत पहुंच चुकी है। क्या उनका मिशन 1992 का गौरव फिर से हासिल करने का है? टीम के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान छोड़ने से पहले साहसपूर्वक घोषणा की थी कि टॉप फोर में आना हमारे लिए एक छोटा लक्ष्य है, हम विनर के रूप में पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। बता दें कि पाकिस्तान और उनके क्रिकेट बोर्ड में नोकझोंक की स्थिति के बावजूद बाबर के नेतृत्व में ओडीआई क्रिकेट में एक मजबूत ताकत के रूप में विकसित हुई थी। बाबर के तेज बल्लेबाजी आक्रमण ने उन्हें वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा दिया है, लेकिन अब वर्ल्ड कप का सामना करते हुए टीम को अनजान भारतीय परिस्थितियों में जूझना पड़ रहा है। जबकि दूसरे टीम्स के खिलाड़ी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने की वजह से भारतीय परिस्थितियों में से अच्छी तरह परिचित हैं। पाकिस्तान की परेशानी तब और बढ़ गई जब न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती अभ्यास मैच में पाकिस्तान की कमजोरी उजागर हो गई, क्योंकि उनके एक विशाल स्कोर का बचाव करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इससे उनके बल्लेबाजी दृष्टिकोण पर सवाल उठाए और चुनौतीपूर्ण भारतीय पिचों पर आपसी तालमेल की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। जबकि मोहम्मद रिजवान के फॉर्म ने एक उम्मीद की किरण लगाई है, लेकिन चिंताएं अभी भी बनी हुई है। विशेष रूप में स्पिन गेंदबाजी, नई गेंद के साथ शाहीन अफरीदी की बॉलिंग और फखर जमान की आउट ऑफ फॉर्म स्थिति। वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जैसे महान खिलाड़ियों के साथ उम्मीद और भी अधिक है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलना, उनके स्पिन विभाग को मजबूत करना और उनके बल्लेबाजी क्रम में सुधार करना एक बड़ी मुसीबत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान एक अनोखी चुनौती पेश कर सकते हैं, खासकर चेन्नई में जहां पिच स्पिनर के अनुकूल में होता है। अफगानिस्तान के पास एक जबरदस्त स्पिन आक्रमण है और बेहतरीन स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान की कमजोरी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी राहत की सांस तब आई जब पाकिस्तान की निगाह मोहम्मद रिजवान पर पड़ी, जिन्होंने सही समय पर अपनी फॉर्म हासिल कर ली है। बाबर और इमाम उल हक पर से दबाव हटने की उनकी क्षमता पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप में एक नया मोड़ ला सकती है। बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे रोमांचक भिड़ंत भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। पूरा क्रिकेट जगत इस नजारे का इंतजार कर रहा है और इसका नतीजा टूर्नामेंट का भविष्य भी तय कर सकता है। जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी विश्व कप यात्रा शुरू की, उनके पास उम्मीदों का बोझ और 1992 के जादू को फिर से बनाने का इच्छा जग चुकी है। चुनौतियां कई हैं, लेकिन टीम का दृढ़ संकल्प उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन केवल समय ही बताएगा कि क्या पाकिस्तान अपने ईगो से ऊपर उठकर अपने क्रिकेट प्रेमी राष्ट्र को गौरव वापस दिला पाएगा। ऐसे ही डेप्थ क्रिकेट एनालिसिस के लिए बाबा क्रिकेट अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें।